जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम से जुड़े ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके जेवीटी टेट और कमीशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने किसी भी फील्ड का एग्ज़ाम भर रखा है जिसमें कि मैथमेटिक्स का पार्ट आता है, तो उस एक जो पार्ट है हमारा मैथ्स का पार्ट रहेगा, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिलेंगे, चाहे वो जो आपका एग्ज़ाम है वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड क्यों ना हो। तो हम इस वीडियो में जानेंगे हम मात्र किस तरह से एक या दो सेकेंड्स में ही इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन निकल तो जाते हैं लेकिन हमारे 4-5 मिनट जो हैं वो यहाँ पे बर्बाद कर देते हैं। तो अभी ये जो क्वेश्चन हैं हम इनको 1-2 सेकंड्स में निकालना सीखेंगे। किस तरह से सीखेंगे, सारी चीज़ें आपके माइंड में ही छुपी हुई है, सिर्फ आपने अपने माइंड का यूज़ ही करना है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यदि 2 संख्याओं का योग 40 है, 2 ऐसी संख्याएँ हैं जो कि हमें पता नहीं है और उनका जो जोड़ है वो कितना है 40 और उनका अंतर कितना है प्यारे दोस्तों 6, ठीक है। जब हम उनको माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 6, तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, यहाँ पे आपने ध्यान से समझना है, बड़ी संख्या पूछी गई है। तो हमने किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है, पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर लिखना है योग, योग कितना दिया हुआ है 40, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अंतर कितना दिया गया है हमें, अंतर का यहाँ पे मैंने आ लिखा तो कितना दिया है 6, ठीक है, पता लग गया योग है हमारा 40, अंतर है 6। अभी हम यहाँ पे ट्रिक का यूज़ करेंगे, अगर हमसे बड़ी संख्या पूछी गई होगी तो हमने क्या करना है, ये जो हमारा योग है इसमें अंतर को प्लस कर देना है, मीन्स 40+6 और इस सभी को हमने 2 के साथ डिवाइड कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है, 46/2, तो कहीं ना कहीं 23 जो हमारा है वो आंसर आ रहा है। उसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पे छोटी संख्या पूछी गई होती तो हमने क्या करना था, ठीक है, बड़ी की जगह हमने लिख दिया छोटी संख्या, तो हमने क्या करना था, योग माइनस अंतर, ठीक है, योग माइनस अंतर, योग कितना है 40 और अंतर कितना है 6, इन दोनों को हमने 2 के साथ डिवाइड कर देना था, कितना आना है दोस्तों हमारा 34/2, तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर है वो 17 आना था। अब आप इन दोनों को 17 और 23 को ऐड करके देखिएगा, 40 आंसर आएगा, इनका जो अंतर है वो 6 ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रिक है वो यहाँ पे जो हमारा बेसिक सा फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग भी जस्टिफाई हो रही है, तो आपने माइंड में रखना है। आगे दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन है, इसको आप मात्र अपने दिमाग में ही सोल्व कर पाओगे, 2 संख्याओं का जो कितना है 36, उनका अंतर कितना है 12, छोटी संख्या पूछी गई है 36-12/2, तो यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा 24/2, कहीं ना कहीं आंसर कितना आ गया 12। अगर यहाँ पे बड़ी संख्या पूछी गई होती तो हमने क्या करना था, 36+12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो आना था। तो उम्मीद है ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ आ रहे होंगे। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि मैंने यहाँ पे 5-6 जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें देखा है सेम इस तरह का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, और यहाँ पे अलग अलग फील्ड के एग्ज़ाम हैं जिनमें ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है और इसी तरह के नंबर लिखे गए हैं, तो आपने इस क्वेश्चन को ज़रा भी इग्नोर नहीं करना है। क्या पूछा गया है, यदि 2 संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर है 25, तो वो जो दोनों संख्याएं हैं उनका गुणनफल कितना होगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो गुणनफल आ गया, आपने तो क्वेश्चन हमें सिखाया ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो हमने पहले और सेकंड क्वेश्चन करा है कहीं ना कहीं आंसर उन्हीं क्वेश्चंस में छुपा हुआ, किस तरह से, देखो गुणनफल पूछा गया है तो यहाँ पे हमने पहली संख्या भी निकालनी है, दूसरी भी निकालनी है, कहने का मीनिंग क्या है, छोटी संख्या भी निकालेंगे बड़ी भी निकालेंगे, फिर उन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और जो हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आएगा वो यहाँ पे आंसर रहेगा। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमने बड़ी संख्या निकालनी है, क्या आएगा, योग प्लस अंतर 75+25/2, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बन गया हमारा 100/2, कितना आ गया 50, तो हमारी जो बड़ी संख्या है वो कितनी आ गई 50। छोटी संख्या भी हम निकालेंगे, छोटी संख्या हम किस तरह से निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपने समझना है, ठीक है, तो यहाँ पे छोटी संख्या निकालने का क्या फॉर्मूला है, 75-25, ठीक है, 2, ये कितना आ गया हमारा 50, 50/2 कितना आ गया दोस्तों हमारा 25। फिर हमने क्या करना है, बड़ी संख्या हमारी 50 हो गई, छोटी संख्या हो गई 25, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों, 50 × 25, ठीक है, 5 0 0 5 5 5 25, 250 आ गया, फिर अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0
5 to 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, 1250। कहीं ना कहीं ये जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो कितना निकला, 1250। तो दोस्तों उम्मीद है यहाँ पे भी जो ट्रिक है वो आपने अच्छे से यूज़ किया होगा। आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, इसको भी मैंने एक क्वेश्चन पेपर से ही उठाया है। 4-5 बार ये जो क्वेश्चन है वो मुझे देखने को मिला और मैंने सोचा कि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने सोल्व करने चाहिए। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है, कोई संख्या है वो 35 से उतनी बड़ी है जितनी कि 71 से छोटी। हमें एक संख्या, हमसे एक संख्या पूछी गई है, क्या बोला गया उसके लिए हिंट क्या है कि 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी 71 से छोटी। कहीं ना कहीं हमने क्या करना है, जो हमारा 35 है और जो हमारा 71 है इनके बीच का एक नंबर निकालना है कि यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस रहे, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस रहे। तो इस तरह का बीच में जो नंबर है वो निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, पहले नंबर को हम सेकंड नंबर में ऐड कर देंगे 35 + 21, और इन दोनों को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे। किस तरह से हमारा क्वेश्चन बनेगा, 35 + 71, ठीक है। सबसे पहले इनको सोल्व करेंगे, 6 आ गया यहाँ पे, 10 आ गया, 106 है, 106 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे हमारा 53। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कितना आ रहा है, 53। आप चाहे तो इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी सोल्व करके देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों इस तरह क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया होगा तो यहाँ पे अगर आपको ट्रिक नहीं आता तो आपके इस क्वेश्चन में 5 से लेकर 7 मिनट जो हैं वो ले लेने थे। आपको ट्रिक पता है, आप यहाँ पे मात्र 5 से सेकेंड्स में ही आंसर निकाल पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के ट्रिक्स के लिए, इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।